उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव में भागीदारी परिवर्तन मोर्चा ने चुनाव लड़ा था, अब वो निकाय चुनाव में भी उतरने की तैयारी कर रहे हैं और आज कैसरबाग में गांधी भवन में एक प्रोग्राम आयोजित हुआ है जिसमें ओवैसी से लेकर के तमाम बाबू सिंह कुशवाहा जी आए थे और हमारे साथ पीस पार्टी के अयूब जी हैं। सर, किस तरीके की रणनीति होगी आपकी, क्योंकि 2022 का चुनाव आप लोगों ने मिलकर के लड़ा था, कैसी आगे की रणनीतियाँ रहेंगी, अपेक्षित परिणाम तो नहीं निकला है? हम सभी लोग भागीदारी मोर्चा के जो भी लोग मिलकर के चुनाव 2022 में चुनाव में हिस्सा लिए थे, दो आगे वाले निकाय चुनाव में, लोकसभा और विधानसभा चुनाव में हम लोग मिलकर हिस्सा लेंगे। तो गठबंधन में लगातार जिस तरीके के आप लोग बनाते रहे और पहले संकल्प मोर्चा बना, फिर परिवर्तन मोर्चा करना पड़ा, क्या सहयोग बन नहीं पाता है? गठबंधन बनता है लेकिन उसको पूरा मूर्त रूप नहीं बन पाता है, उसके लिए क्या करेंगे? देखिए, बदलाव की चीज़ें हैं, सरकारें बदलती हैं, गठबंधन बदलते हैं, मोर्चे बदलते हैं, पार्टियां के सहयोग बदलते हैं, ये तो परिवर्तन है, परिवर्तनशील है, चलता रहता है। मगर मैं समझता हूँ कि हम सभी लोग मिलकर के चुनाव में अगर हिस्सा लेते हैं तो अपेक्षित रिजल्ट इंशाल्लाह आएगा। विधानसभा चुनाव के जो परिणाम हैं वो ये बता रहे हैं कि जनता अब सिर्फ दो धड़ों में है, तीसरे मोर्चे का कोई जिक्र नहीं है, बहुजन समाज पार्टी जैसी राष्ट्रीय पार्टी का भी हश्र सबने देखा है, कैसे लोगों को समझाएंगे आप? और देखिए, अभी तो सरकार बनाने का था, लोगों ने, कुछ लोग सरकार बनाना चाहते थे भाजपा का, कुछ लोग उसको हटाना चाहते थे, तो इसलिए दो धड़ों में बट गया। मैं समझता हूँ आने वाला विधानसभा चुनाव में वो दो धड़ों में नहीं बल्कि नगर निकाय का चुनाव है, उसमें लोकल चुनाव है, इसमें सब लोग मिलकर के इंशाल्लाह चुनाव लड़ेंगे। सर, आप लोग के गठबंधन में ही जब संकल्प मोर्चा हुआ करता था तो उस समय शिवपाल भी आपके साथ में थे, फिर अखिलेश यादव के वो साथ हो चले गए और अभी हाल ही में खबरें आई हैं। बहुत सारे लोग नहीं हैं, बहुत सारे लोग हैं, पहले वो क्या हुआ था मुझे नहीं मालूम, मगर हम लोग भी चुनाव में ही शामिल हुए हैं और मैं समझता हूँ आगे हम लोग मिलकर के काम करेंगे। तो क्या इन लोगों से भी कोई बातचीत होगी, चंद्रशेखर से बात होगी? वो तो जो कन्वेनर बाबू सिंह जो है ना, वो अपना बताएंगे कि क्या बात होगी नहीं होगी। सीटों को लेकर के कब तक चीज़ें फाइनल करेंगे? इस सीटों का भी कोई मामला नहीं है, मैं समझता हूँ उसके लिए समय है अभी। तो ये हैं अयूब जी, पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिनका कहना है कि जी आइए, जो चुनाव लड़ने के लिए बात हो रही है वो लड़ेंगे और सभी सहयोगी दलों के साथ उनकी सहमति बन चुकी है। सहयोगी अनुराग के साथ सुशील कुमार, डेली इनसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इनसाइडर।